गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। टैक्सेशन लॉ की ये जो सीरीज चल रही है उसकी हमारी ये 8th वीडियो है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कर के उद्ग्रहण यानी लेवी एंड संग्रहण कलेक्शन के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेन पॉइंट देख लेते हैं इसके। हम सबसे पहले हम इसमें परिचय देखेंगे, इसके बाद जो धारा 9 है, 9 की धारा, उपधारा 2, उपधारा 3, 4, 5 में जो प्रावधान उनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे करों में छूट देने की शक्तियों के संदर्भ में। परिचय में देख लेते हैं हम, जिसमें पहला ये है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की जो धारा 9 है उसमें उद्ग्रहण एवं अधिग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। यह कर मदकारी पदार्थों के अंतरराज्यीय सप्लाई पर लागू नहीं होता है, यानी जो भी मदकारी जो पदार्थ होते हैं, शराब वगैरह, उसके जो अंतरराज्यीय सप्लाई है उन पर यह लागू नहीं होता है। ये जो सीजीएसटी है वो अधिकतम 20% हो सकता है, धारा 15 के अनुसार उससे अधिक नहीं। सीजीएसटी सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है और करदाता व्यक्ति इसका संदाय करने का प्रावधान इसमें होता है। दूसरा पॉइंट है अपना इसमें उद्ग्रहण एवं संग्रहित किए जाने वाले कर क्या होते हैं धारा 9 के अनुरूप। यानी उद्ग्रहित यानी जो अप्लाइड होते हैं कर, इनको अप्लाइड भी बोलते हैं, इम्पोज कर भी बोलते हैं इनको, इम्पोज कर जो लागू रहते हैं, और जिनको संग्रहित किया जाता है, कलेक्शन जो कलेक्शन किया जाता है, तो इस प्रकार किए जाने कर के जो प्रावधान है वो धारा 9 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो हमने ऊपर जो आपके 5 पॉइंट डिस्कस करे थे जो कि तो वही पॉइंट हैं, जैसे कि इन करों को सीजीएसटी नाम दिया गया, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंतर्राज्यीय सप्लाई में मादक जो पदार्थ हैं उनको छोड़कर अन्य पदार्थों पर ये लागू हो जाते हैं, 20% से अधिक नहीं हो सकते हैं धारा 15 के अनुसार। सीजीएसटी सरकार द्वारा अधिसूचित है और करदाता व्यक्ति इसका संदाय करेगा, इस प्रकार के प्रावधान है। अब उपधारा 2 क्या कहती है इसके संदर्भ में। उपधारा इसके संदर्भ में 2 कहती है कि निम्नलिखित माल की सप्लाई पर सीजीएसटी का संग्रहण होगा, यानी सीजीएसटी जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का संग्रहण होगा किन 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 चीजों पर। अपरिष्कृत पेट्रोलियम है उस पर, हाई स्पीड डीजल पर, मोटर पेट्रोल पर, प्राकृतिक गैस पर, विमानन टर्बाइन ईंधन पर। तो ये उक्त मालों पर क्या होगा, सीजीएसटी कर जो है वो लागू होगा, यानी सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होगा, यानी सीजीएसटी लागू होगा केंद्र वाला। ठीक है, और जबकि उपधारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि यह प्रावधान है उपधारा 3 के अंतर्गत की सरकार द्वारा अधिसूचित माल जो है माल और सेवा दोनों की सप्लाई के संवर्ग यानी विशेष कैटेगरी बना सकेगी। कोई भी सरकार अधिसूचित सूचित करके माल और सेवा दोनों की सप्लाई के संदर्भ में संवर्ग बना सकेगी जिन पर कर का संदाय विपरीत प्रभार यानी रिवर्स चार्ज के आधार पर लगेगा। अब ये रिवर्स चार्ज का आधार क्या है, इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। यानी मान के चलो का द्वारा खा को 10 लाख रुपए का सामान बेचा जाता है। ठीक है, यानी का ने खा को 10 लाख रुपए का सामान बेचा। अब यहाँ का खा जो है वो का को जीएसटी देगा, प्रावधान इसी प्रकार का है, क्योंकि का ने खा को बेचा है तो खा का ये कर्तव्य है कि उस सामान के संदर्भ में जीएसटी भी का को दे। अब वह कर का सामान्य प्रभार है। अब ये तो नॉर्मल चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है कि अगर किसी ने किसी को बेचा तो उसी को उसका कर संदर्भ में देगा। ठीक है, तो जबकि अब खा अगर जो जीएसटी उसे सीधे सरकार को देगा, इसे विपरीत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको विपरीत प्रभाव कहते हैं। अगर का को जीएसटी ना देकर के सीधा सरकार को दे, इसे विपरीत प्रभार कहते हैं। और इसी का हमने डिस्कस किया है कि धारा के अंतर्गत धारा 3 में ये प्रावधान है कि सरकार द्वारा अधिसूचित करके किसी भी माल या सेवा के संदर्भ में सप्लाई का विशेष वर्ग बना करके कि इन इन चीजों पे जो जो भी संदाय होगा उस संदाय पर विपरीत प्रभाव लगेगा, या सीधा जीएसटी जो है सरकार को जाएगा। उपधारा 4 क्या कहती है इसके संदर्भ में, इसको विपरीत प्रभाव को रिवर्स चार्ज भी कहते हैं, रिवर्स चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, प्रावधान करती है उपधारा 4, प्रावधान करती है कि किसी अरजिस्ट्रीकृत जो अनऑथोराइज व्यक्ति होता है, अनऑथोराइज, ठीक है, यानी अरजिस्ट्रीकृत जो व्यक्ति है उसके द्वारा कर योग्य माल या सेवा दोनों प्रकार की सप्लाई
करयोग्य माल हो या सेवा हो, दोनों प्रकार की सप्लाई किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की जाती है, यानी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी माल या सेवा, दोनों प्रकार की सप्लाई किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अगर द्वारा को की जाती है, तब यहाँ भी प्राप्तकर्ता जो है, यानी ये जो रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता, ये जो व्यक्ति है, यही तो प्राप्तकर्ता है यहाँ पे, ये जो प्राप्तकर्ता के रूप में विपरीत प्रभाव लागू होगा। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति, इस अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जीएसटी ना दे करके सीधा सरकार को देगा, क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज लागू कर हो जाएंगे उपधारा 4 के अनुसार। उपधारा 5 क्या कहती है? प्रावधान यह करती है कि सरकार अधिसूचना द्वारा सेवाओं के विशेष संवर्ग प्रवर्ग यानी कैटेगरीज बना सकेगी, जो हमने पहली उपधारा 2 में देखा था, जिनमें अंतरराज्यीय सप्लाई पर कर यदि लग रहा है, सेवाएं इलेक्ट्रिक यानी जिनकी सप्लाई पर कर, यदि सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालन के माध्यम से किया जाता है, तो इन पर भी रिजर्व चार्ज लागू होगा। यानी कुछ जो सेवाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या वाणिज्यिक संचालन के रूप में की जा रही हैं, तो उन पर भी रिवर्स चार्ज लागू होगा उपधारा 5 के अंतर्गत। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसके संदर्भ में, करों में छूट देने की शक्तियां, यानी करों में कब छूट दी जा सकती है, वो शक्तियां क्या हैं। तो यहाँ पर छूट देने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। तो पहला तो यह है कि वो विशेष छूट लोक हित में हो और परिषद की सिफारिश द्वारा की गई हो, तो छूट दी जा सकती है करों के संदर्भ में। और यह छूट माल माल या सेवा अथवा दोनों पर लग सकती है, विशेष तारीख से लग सकती है, किसी पूर्णतः माल या सेवा पर लग सकती है, या फिर माल या सेवा के किसी भागतः पर छूट ये लग सकती है। तो छूट के संदर्भ में ये प्रावधान है, ठीक है। तो ये थी आपकी उद्ग्रहण उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।